तो जैसे मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर कैंट ओपन यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, यानी कैंट ओपन फाइल, जो फाइल है डाउनलोड हो गया लेकिन यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों करना क्या होगा कि आपको आसान सा स्टेप को फॉलो करना है और आपका जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है वीडियो को पूरा जरूर देखिए, थोड़ा भी स्किप करेंगे तो आपका वीडियो मिस हो जाएगा और उसके बाद आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो गाइस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसका लोकेशन चेक करना है, यानी आपका जो ऐप है जो फाइल है कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो गाइस इस ब्राउजर में तो शो कर रहा है लेकिन आपका मेन फाइल में कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो गाइस आपको सबसे पहले मेन सेटिंग पर जाना है, मेन सेटिंग यानी इसके सेटिंग पर जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों इसके ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है तो आपको इसके ऊपर जाना है। डाउनलोड के ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर चले आना है, यहाँ पर डाउनलोड लोकेशन जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं मेरे एसडी कार्ड में डाउनलोड लोकेशन नहीं सेट है, यानी आपको एसडी कार्ड भी सिलेक्ट नहीं करना है, बस आपको पहले जैसा रहने देना है और यहाँ से डाउन कर लेना है। आपको बस यहाँ पर देखना है कि आपका जो डाउनलोड का लोकेशन है कहाँ पर है। तो इतना देखने के बाद आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद आपको फिर से यदि ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, फिर भी ये ओपन होने वाला नहीं है। जैसे कि मैं इसको क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ तो फिर से यहाँ से कैंट ओपन फाइल, यहाँ पर मतलब ये ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे पास जो म्यूजिक है फ़ोटो है यहाँ पर शो कर रहा है, जैसे म्यूजिक को मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर म्यूजिक भी यहाँ पर मेरा यहाँ पर बज रहा है, यानी प्ले हो रहा है जैसे कि आप सुन सकते हैं। तो गाइज मैं यहाँ से बाइक आ जाता हूँ, बाइक आने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर पिक्चर भी यहाँ पर देख रहे हैं शो कर रहा है, तो आपको बाइक आ जाना है, यानी आपको अपने क्रोम ब्राउजर को एग्जिट कर देना है, यानी रिसेंट से हटा देना है। हटाने के बाद आपको जाना है आई फाइल यानी फाइल मैनेजर या फिर जो भी आपका फाइल फोल्डर है उसके ऊपर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यदि आपके पास यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको मेन फाइल यानी इंटरनल स्टोरेज में जाना है, जहाँ आपका लोकेशन वहाँ पर क्रोम ब्राउजर में था डाउनलोड लोकेशन उसके ऊपर चले जाना है और वहाँ से आपको डाउनलोड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आपको नीचे वही डाउनलोड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर यू टैग प्रो डॉट एपीके जो कि यहाँ पर फाइल है, इसको हम ओपन जैसे यहाँ से करते हैं यहाँ से हमारा यहाँ ओपन होकर आ गया है और इंस्टॉलेशन का भी यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आ गया है। तो इस प्रकार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं ना कुछ किए, यानी आपको कोई स्टेप फॉलो नहीं करना है, बस आपको अपने क्रोम ब्राउजर को एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद आपको अपने फाइल मैनेजर में डायरेक्टली चले आना है और यहाँ से आप ओपन करेंगे तो आपका जो फाइल है ओपन हो जाएगा। आपको वहाँ पर आप कोई भी परमिशन देते समय अलाउ नहीं किए होंगे इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रहा है। गाइस अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी मिलने वाला है, तभी आपको पता चल पाएगा और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा के लिए सॉल्व कर पाएंगे।